वेलकम टू वी एन आर्ट। तो आज के क्लास में हम शेडिंग सीखेंगे। शेडिंग सीखने से पहले शेडिंग कितनी टाइप की होती है वो देखेंगे। तो शेडिंग तो काफ़ी टाइप की होती है, लेकिन अभी पांच टाइप की जो टेक्निक है वो काफ़ी पॉपुलर है। आज हम उस पांच टेक्निक के बारे में जानेंगे और उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखते हैं आगे वीडियो में। हमारी जो फर्स्ट टेक्निक है वो है हैचिंग टेक्निक। तो हम हैचिंग टेक्निक से आर्ट बनाएंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा रहा हूँ, पेंसिल से एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में हम स्ट्रोक लगा सकते हैं, हम दूसरे एंगल या दूसरे डायरेक्शन में स्ट्रोक नहीं लगा सकते हैचिंग टेक्निक से, और रिटर्न भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम इधर से लगाए तो सामने से वो रिटर्न आ सकता है। एक ही डायरेक्शन से जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं से स्ट्रोक लगाते जाएंगे। तो ये है हमारी फर्स्ट हैचिंग टेक्निक। हैचिंग टेक्निक से मैंने आपको यहाँ पे एक राउंड शेप बना के दिखाया है। तो हम अब दूसरी टेक्निक के बारे में देखेंगे। दूसरी जो टेक्निक है वो उसी तरह से है, हैचिंग नहीं, ये है क्रॉस हैचिंग। तो क्रॉस हैचिंग में क्या है कि हम जिस तरह से एक डायरेक्शन में लगाते हैं स्टॉक, उसी तरह हम दूसरे डायरेक्शन में भी स्टॉक लगा सकते हैं। और जब हम पेन से आर्ट बनाते हैं, पेन से ड्राइंग बनाते हैं, तब ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है वो हैचिंग और क्रॉस हैचिंग ही होती है। तो हमें ये दोनों टेक्निक जब हम पेन का इस्तेमाल करेंगे तब सबसे ज़रूरी यही टेक्निक है, और इसी से ही हमारा आर्टवर्क बनता है। तो ये दोनों टेक्निक काफ़ी ज़रूरी है। इसका शेडो भी बना लेते हैं। और हमारी जो तीसरी टेक्निक है वो है स्टिपलिंग। इसमें हम पेन या पेंसिल का जो पॉइंट होता है उससे हम डॉट बना के पूरा आर्टवर्क बनाते हैं। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह हर एक डॉट डॉट बना के पूरा आर्टवर्क बनाता हूँ। ये जो अभी बना रहा हूँ वो पूरे डॉट डॉट से, इसमें काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, पर जब ये बन जाता है तब काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हम ये डॉट डॉट से बनाएंगे, तो इसे कहते हैं स्टिपलिंग। ये काफ़ी टाइम टेकिंग वर्क है। और ये हमारा स्टिपलिंग बन गया। हमारा चौथा जो शेडिंग वर्क है वो है स्क्रूबिंग। स्क्रूबिंग में क्या करेंगे कि हम राउंड राउंड पेंसिल को घुमाते जाएंगे और आर्टवर्क बनाते जाएंगे। इसमें पेंसिल उठाने का कम टाइम पे ही, कभी कभी ही पेंसिल उठाते हैं, बाकी इसी तरह से स्क्रबिंग कर सकते हैं। तो ये इजी तरीके से स्क्रबिंग हो जाता है, इसको करने में काफ़ी मज़ा आता है। अगर आपने अभी तक आगे के क्लासेस मिस किए हैं तो पहले उनको अटेंड कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस क्लास पे आइएगा। तो ये हमारा जो स्क्रबिंग है वो आप देख सकते हो कितना इजी तरीके से हो रहा है। तो आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हमारा रेडी हो चुका है। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो स्मूदिंग। जो स्मूद एक्सरसाइज जो है वो हम हमारी पोर्ट्रेट में करते हैं, तो आपने भी यही इस्तेमाल की होगी। इसमें काफ़ी कम टाइम लगता है इन दूसरों के मुकाबले, और ये काफ़ी इजी है। इसमें हम बहुत ही कम टाइम में आर्ट बना सकते हैं। तो इसमें जो पेंसिल को है काफ़ी पीछे से होल्ड कीजिएगा, तो आपका जो प्रेशर पॉइंट है ना वो अच्छा रहेगा। तो इसमें लाइट डार्क शेड जो है वो आप इजीली दे पाओगे। इसको पेंसिल को थोड़ा पीछे होल्ड कीजिएगा तो जो आपका आर्टवर्क है वो अच्छा बनेगा। तो हम अब आगे के वीडियो में शेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे।